पुलिस विभाग का आंतरिक निरीक्षण करने पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कहा कि पुराने व जर्जर भवनों की जगह नए भवनों को बनाए जाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी, साथ ही समाज में उपद्रव मचाने वाले उपद्रवियों की सूची बनाकर कार्यवाही शुरू की जाएगी। काशीपुर कोतवाली में आंतरिक निरीक्षण करने पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पुराने जर्जर भवनों, पुराने सीज वाहनों, मालखाना, देखरेख कार्यालयों, मैस आईयू विभाग, होमगार्ड विभाग के साथ शस्त्रों के रखरखाव का जायजा लेकर बताया कि जर्जर भवनों की जगह नए भवन बनाए जाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, साथ ही समाज में अशांति फैलाने वाले उपद्रवियों की सूची तैयार कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा आंतरिक एक प्रक्रिया होती है, पुलिस विभाग में आंतरिक प्रक्रिया होती है जिसमें ऑडिट्स हो गया, निरीक्षण हो गया, वार्षिक निरीक्षण होता है। इसी के तहत मैंने काशीपुर कोतवाली के निरीक्षण कर रहे हैं। आज हमारा विस्तृत निरीक्षण है, लगातार चलेगी। अभी तो भवनों का कंप्लीट हुआ है, भवन और परिसर का भ्रमण हुआ है, उसमें काफ़ी दिशा निर्देश दिए हैं। पुराने भवनों को, खंडर भवनों को उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करके उसके बाद उसके जगह पे कुछ आवासीय परिसर बनाने के लिए पीएचक्यू को प्रपोजल जाएगा। उसी के अलावा बहुत अच्छे अच्छे तरीके से यहाँ पे मेस को और इसको अपनिशकस को बहुत अच्छे से मॉडर्नाइज किया है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल उत्तराखंड की जो धार्मिक स्थल है उसके थीम पर यहाँ पर सजाया गया है। बहुत अच्छे से SHO ने और CO ने और SP ने यहाँ पे काम किया है, तो CSR को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके इसका भव्य एक रूम्स को बनाया है। इसी प्रकार हम महिला हेल्पलाइन को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हम एक विशाल आकार देकर एक अच्छी जगह पे ले जाना चाहते हैं, उसकी भी प्रक्रिया हम चालू है। उसके अलावा हम अभी ORs लेंगे, CLG मीटिंग लेंगे, पब्लिक के साथ मीटिंग लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक अंदरूनी प्रक्रिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।